बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी का संसद भवन के बाहर झाड़ू लगाने का वीडियो काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो में हेमा बड़े ही अलग अंदाज से झाड़ू लगा रही थी। हेमा का ये अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे। इस पर जब एक ट्विटर यूजर ने धर्मेंद्र से सवाल किया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि अब माफ़ी मांगनी पड़ रही है। ट्विटर यूजर ने धर्मेंद्र से पूछा, सर मैडम ने सच में कभी ज़िंदगी में झाड़ू उठाई है? इसके जवाब में धर्मेंद्र ने लिखा था, हाँ फिल्मों में मुझे भी अनाड़ी लग रही थी, मैंने मगर बचपन में माँ का हमेशा हाथ बटाया है, मैं झाड़ू में माहिर था, मुझे स्वच्छता पसंद है। इसके बाद सवाल पूछने वाले ट्विटर यूजर ने लिखा, वास्तव में सर यह अब तक का सबसे ईमानदारी भरा जवाब है, आपका सम्मान करता हूँ। धर्मेंद्र यहाँ तो सीधेपन में जवाब दे गए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि क्या वह क्या बोल गए। ट्विटर पर लोग हेमा मालिनी को ट्रोल करने लगे। मामला बढ़ते देख धर्मेंद्र को अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए माफ़ी मांगनी पड़ी। धर्मेंद्र ने 16 जुलाई को ट्वीट किया, कुछ भी की भावना को कुछ भी समझ बैठते हैं यार लोग, कुछ भी किया, बात झाड़ू की भी तौबा तौबा, कभी ना करूँगा, हमका माफ़ी दे दो मालिक। इस ट्वीट के साथ धर्मेंद्र ने एक तस्वीर शेयर की। ट्वीट में वह हाथ जोड़कर ऊपर देखते नजर आ रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र के इस ट्वीट पर एक फैन ने लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भी न जाए रहना, आप भी किन चक्करों में पड़ गए हैं सर, चंद लोगों के मखौल की वजह से आप बाकी फैंस को दुखी ना करें, आप हमारे बहुत प्यारे हैं। फिल्मी अड्डा से शिवांगी शुक्ला की रिपोर्ट।